जय दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम ट्रैवल कर रहे हैं बरपाली से सरगुंजा होते हुए लैंको छत्तीसगढ़, जो कि NH-149 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे मेनली नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, जो कि कोरबा चापा के बीच में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में ये लोकेटेड है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितनी ही बेकार रोड कंडीशन है कोरबा चापा रोड की। इससे पहले मैं मड़वारानी से बरपाली वाला सेक्शन ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो अगर आप वो नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। करेंटली अभी मैं बरपाली एंटर कर रहा हूँ और आप कीचड़ एक बार देख सकते हो कितना ज़्यादा कीचड़ है। यहाँ पे पूरा दलदल है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ फंस रही है, बस के पूरे बस और ट्रक के बम्पर टच हो जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंडीशन बेकार है, बाइक वालों के लिए एकदम नर्क बन चुका है। खासकर ये दो सेक्शन, एक बरपाली वाला और एक मड़वारानी वाला, और एक आगे और सेक्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं बाइक वालों के लिए सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आप अगर कोरबा से बरपाली या मड़वारानी साइड आ रहे हो तो आप अंदर से तिलकेजा तुमान होते हुए आओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। और छोटी गाड़ी वाले थोड़ा भी इधर उधर होता है स्लिप होकर गिर जाते हैं। पूरे कीचड़ में कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार है इस रोड की। अब देख सकते हो कीचड़ इतना ज़्यादा छिटकता है कि वाइपर से आपको खुद से पानी डाल के मतलब साफ़ करना पड़ रहा है, ऐसा वाला स्थिति हो जा रहा है। और करेंटली अभी अपन बरपाली वाला जो सेक्शन है उसको अपन क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ पे एक्चुअल में ओवरब्रिज बनना है तो और ज़्यादा अभी थोड़ा कंडीशन डाउन है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो आरी वॉल कुछ कुछ खड़ा हो चुका है, पूरे फ्लाई ऐश भरे पड़े हैं। यहाँ पे राइट साइड में भी काम चल रहा है, बट बरसात में अभी बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है। बाइक वाले लोग को आप देख सकते हो, ये देखो गड्ढे में कैसे जा रहा है बाइक को, मतलब आदमी अनबैलेंस हो जा रहा है, सामने वाले को जाके रुकना पड़ रहा है। अभी बाइक वाले को मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा, क्योंकि वो मतलब समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि छोटे मोटे गड्ढे नहीं है, ये 6 इंच 1 फीट के ऐसे डीप गड्ढे हैं, और हर आदमी को अपने आप को बचा के चलना पड़ रहा है, चाहे वो ट्रक वाला ही क्यों ना हो। लेफ्ट साइड में कोई अपनी गाड़ी नहीं ले आना चाह रहा, क्योंकि फ्लाई ऐश का काम हो रहा है और पानी है तो पूरा मिक्स होकर दलदल बना दे रहे हैं। अब देख सकते हो मेरी भी इनोवा क्रिस्टा है बाय द वे, तो बड़े टायर से, लेकिन फिर भी आपको बचा के चलना पड़ रहा है। ट्रक आ जा रहा है तो आपको बाईपास करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, ये सीन है। छोटी गाड़ियों का आप देख ही सकते हो, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है डिज़ायर का क्या हाल है, किस प्रकार से वो चल रही है, कितनी दब के चल रही है, गड्ढों में उसका क्या सिचुएशन है। और जैसे ही अपन बरपाली वाला सेक्शन क्रॉस करते हैं, जो कि अभी मैं क्रॉस कर चुका हूँ, अभी यहाँ पे बरपाली सेक्शन क्रॉस करूँ तो इसके बाद आता है सरगुंदिया। बरपाली से जो सरगुंदिया वाला पैच है वो काफ़ी हद तक बन चुका है, हाईवे पूरा बन चुका है, लेकिन इसमें भी एक कैच ये है कि आपको दोनों साइड एक्टिव नहीं मिलेंगे, आपको आना जाना दोनों का चल रहा है, आप देख ही सकते हो। तो ये भी एक काफ़ी रिस्की है, क्योंकि ये पूरा कोल माइंस वाला कोयला वाला रूट है और दोनों साइड ट्रक काफ़ी हैवी वे में चलती हैं, और ना ही ट्रक वाले आपको साइड देते हैं, तो बड़ी मुश्किल से आपको साइड मिलता है। इसीलिए बोल रहा हूँ बाइक वाले जो भी हैं वो अंदर से हैं वो ज़्यादा प्रीफर करेंगे, और बड़े गाड़ियों वाले भी एकदम संभल के चलें, क्योंकि इस रूट पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा है, बरसात होता है तो जाम बहुत लंबा लगता है। अभी आपको दिखाने वाला हूँ मैं लैंको में क्या सिचुएशन होती है और सरगुंदिया में। तब तक के लिए थोड़े से आप गाने इन्जॉय कीजिए, मैं आपको सरगुंदिया में मिलता हूँ। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, हाँ, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तो दोस्तों, 1 से 1.5 किलोमीटर का पैच कंप्लीट करके अब हम लोग एंटर कर चुके हैं सरगुंदिया वाले सेक्शन में। अब यहाँ पर भी वही है, रोड की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप देख सकते हो मेरे को गड्ढे एकदम ज़्यादा बचा के चलना पड़ रहा है। और ये ख़राब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर से भी ओवरब्रिज वाला डाउनिंग सेक्शन है, ओवरब्रिज का डाउन यहाँ पर आके ख़त्म होगा। थैंकफुली एक बात अच्छी ये है कि यहाँ पर आपको ठीक ठाक सा चौड़ा सर्विस रोड आपको देखने को मिल जाएगा, और ये भी कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी 1-1.5 महीना पहले ही मुश्किल से बना है। पहले तो यहाँ का भी हाल वही था, बेकार था। तो ये वाला हिसाब किताब है। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर से बच्चे निकलते हैं तो आपको ध्यान रखना है, अंडरपास है वहाँ पर,
और इस ये वाला ब्रिज वाला सेक्शन ख़त्म करोगे तो इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि पताड़ी लैंको वाले एरिया में आप एंटर कर जाओगे। यहाँ पे भी अगेन ब्रिज वाला कनेक्ट करना है तो रोड की कंडीशन वैसे ही है, इसीलिए बोल रहा हूँ बाइक वाले तो भाई इस रूट से मत आओ। यहाँ से अपन लैंको वाले सेक्शन में एंटर कर जाते हैं। अब यहाँ पे आप करेंटली देख रहे होंगे कि दोनों साइड रोड चालू है, बट ये कभी भी चालू रहता है कभी भी बंद रहता है, और जिन लोग नए लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोग काफ़ी धोखा हो जाता है, तो ध्यान से रखना कभी भी इसमें आपको सामने से गाड़ी आती हुई मिल जाएगी। ये और जो सबसे ज़्यादा जाम वाला सेक्शन बोल रहा था वो भी यही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विस रोड भी कोई ढंग से बना नहीं, ये यहाँ का सर्विस रोड है और इसी में आपको दोनों साइड से मतलब टेलर्स पास होती हैं, और इसी में आपको लंबा जाम इसलिए मिल जाता है क्योंकि यहीं से जो पावर प्लांट है उसमें ट्रक्स एंटर करती हैं। राइट साइड में आप देख सकते हो ट्रक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटा रोड है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो आपको अभी अच्छा रोड दिख रहा है ये भी अभी के डेट में ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, ट्रक्स इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि वो भी ख़राब हो जा रहा है ना। और जैसे ही अपन ये जो ओवरब्रिज वाला सेक्शन पार करते हैं इसके बाद हम लोग को 200-400 मीटर का एक ठीक ठाक सा पैच मिलता है, इसके बाद हम लोग को उर्गा वाला सेक्शन मिल जाता है जो कि इस रूट में अभी तक का बोल सकते हैं सबसे ख़राब रास्ता है, तो उसको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए आप मुझे जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।